एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे आज गुड फ्राइडे है एंड मैं लेट हूँ आप सबको विश करने में, क्योंकि मेरा वीडियो शाम में आता है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड फ्राइडे। इंजॉय किए होंगे, छुट्टी रहा था स्टूडेंट्स का एंड ऑफिस वाले लोगों का, तो एज यूजुअल वही रूटीन। एंड वैसे आज हमारा बंगाली न्यू ईयर भी है, सो शुभ नव वर्ष टू वन एंड ऑल, टू ऑल माय बंगाली फैमिलीज अप हियर। सो आज का वीडियो है व्हाई इलॉन मस्क वांट्स टू बाय ट्विटर फॉर अ ह्यूज अमाउंट। ओ माय गॉड, इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है आई थिंक, हाँ हाँ वही है, उनको ट्विटर खरीदना है। लाइक वाओ मैन, सही है, खूब सारे पैसे हैं उनके पास, तो ये क्यों खरीदना चाहते हैं वो तो ये वर्ल्ड अफेयर्स का ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो एंड साथ ही मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। So guys, let's begin the video. नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इलॉन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान। बताया जाता है कि जो इनकी टोटल नेटवर्थ है ये 240 बिलियन डॉलर से लेकर रफली 260 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। हालांकि मैं यहां पर ये कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा पैसा इलॉन मस्क के पास कैश के रूप में पड़ा है। कैश इनके पास होगा रफली 4-5 बिलियन डॉलर्स एट मैक्स। ज़रातार जो इनका ये पैसा है ये इनके पास है शेयर्स के रूप में, टेस्ला के शेयर, स्पेसएक्स के शेयर, वेरियस और जो इनकी कंपनीज हैं उनके शेयर। अब इलॉन मस्क ने रिसेंटली यहाँ पर ये कहा कि मैं एक बार को टेस्ला के बहुत सारे शेयर और वेरियस कंपनीज के शेयर बेच दूंगा और एक बार को 43 बिलियन डॉलर्स इकट्ठा करके ना ट्विटर परचेज करना चाहता हूँ। लिटरली ही वॉज हेलबैंड, वो चाहते हैं कि एक बार ट्विटर की 100% ओनरशिप इनके पास आ जाए, ये कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देंगे ट्विटर को। मगर अचानक से यहाँ पर देखा गया कि सऊदी अरेबिया के कई प्रिंस बीच में आ गए और सऊदी अरेबिया ने लिटरली ब्लॉक कर दिया इलॉन मस्क का टेक ओवर। और इलॉन मस्क ने इसके बाद ये कहा कि दुनिया को देखना होगा कि ट्विटर, जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्री मीडिया है, इसको किस तरीके से एक्चुअली सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टर्स हैं ये पीछे से कंट्रोल करते हैं और ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं इलॉन मस्क को, क्योंकि इलॉन मस्क चाहते हैं कि ऑल टुगेदर फ्री स्पीच को प्रमोट किया जाए ट्विटर पे। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, इलॉन मस्क क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2016 में इलॉन मस्क ने ओपन करी थी एक कंपनी। ये कंपनी फोकस करती है ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली सुरंगें खोदती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपको बताना है कि इस कंपनी का नाम क्या है। ऑप्शन ए द बोरिंग कंपनी, ऑप्शन बी द मोल कंपनी, ऑप्शन सी द टनल कंपनी, या फिर ऑप्शन डी द ड्रिलिंग कंपनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। तो मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर सोचेंगे 43 बिलियन डॉलर्स इज ए लॉट ऑफ मनी, ये पैसा अगर श्रीलंका को मिल जाए आज के समय तो वो टापू डूबने से बच जाएगा, ऑल टुगेदर उनकी इकोनॉमी बच जाएगी। मगर इतना सारा पैसा इलॉन मस्क क्यों खर्चना चाहते हैं ट्विटर को परचेज करने में? क्या ट्विटर फेसबुक जैसा बन गया है? क्या ये व्हाट्सएप जैसा बन गया है कि इतने यूज़र यहाँ पे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप अगर ओवरऑल यूज़र्स के मामले में देखो तो ट्विटर एक्चुअली बहुत पीछे आपको मिलेगा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कई गुना आगे हैं ट्विटर से। मगर ट्विटर में इवन दो लोग काफ़ी कम हैं, मगर जो लोग यहाँ पर एक्टिव हैं दुनिया उनकी बात सुनती है। फॉर एग्जांपल ट्विटर को ओपनली कहा जाता है कि ये प्राइम सोशल मीडिया नेटवर्क है वर्ल्ड लीडर्स के लिए। आपको पता होगा पीएम मोदी का सबसे ज़्यादा जो एक्टिव अकाउंट है ये आपको मिलेगा ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा जो बाइडन का अकाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा, इमैनुअल मैक्रों का, उसके अलावा वेरियस और वर्ल्ड लीडर्स जब भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं यूजुअली आप देखोगे कि सबसे पहले ये लोग ट्विटर पे ही बात करते हैं और ट्विटर में काफ़ी बार ये इंटरेक्ट भी करते हैं। और इसलिए मीडिया की काफ़ी अटेंशन होती है ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे सीईओज, वर्ल्ड लीडर्स, पावरफुल लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे। और इलॉन मस्क का यहाँ पर कहना है कि ट्विटर अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मगर इलॉन मस्क मानते हैं कि मेरे हाथ में अगर एक बार ट्विटर आ गया ना, मैं इसको ऑल टुगेदर कुछ और ही बना दूंगा, ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लोग पसंद करेंगे इसको। और इलॉन मस्क का यहाँ पर कहना ये है कि मैं फोकस करूँगा फ्री स्पीच पर। ट्विटर में सबसे ज़्यादा कमी इनके हिसाब से आज के समय ये है कि फ्री स्पीच को दबाया जाता है। फ्री स्पीच को दबाया कैसे जाता है?
देखो ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी के ट्विटर में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनके इवन काफ़ी हद तक शेयर होल्डर हैं, ये काफ़ी लेफ्ट विचारधारा, जो लिबरल विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं। और ये बात ओपनली कही थी ट्विटर के फॉर्मर सीईओ ने कि ट्विटर में बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग बायस आपको मिलेगी। काफ़ी बार ट्विटर में देखा गया है कि अगर कोई आदमी है जिसके राइट विंग वाले विचार हैं, वो चाहे यूएसए का हो, इंडिया का हो, चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं कि उसको ट्विटर से ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दिया जाए। वेराज जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं उनको बहुत छूट मिलती है, जो मर्जी वो बोल लें उनके खिलाफ इतना एक्शन होता नहीं है। तो इलॉन मस्क का यहाँ पर ये कहना है कि मैं हूँ एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, मैं मानता हूँ चाहे एक आदमी लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो, उसको बोलने का हक मिलना चाहिए। उस आदमी पर पर्सनल अटैक्स करके, उसको बिल्कुल ब्लॉक करके आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाओगे। अगर आपको आर्ग्यूमेंट जीतनी है तो जो वो बातें कर रहा है, जो वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है, उसके अगेंस्ट आपको बात करनी होगी। तो इलॉन मस्क के देखिए जो आइडियाज़ हैं ट्विटर को लेकर, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अगर मान लीजिए, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफ़ है, अगर जेन्युइनली ये ट्विटर को परचेज कर पाते हैं तो ऑल टुगेदर बिल्कुल ट्विटर में फ्री स्पीच काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, सबको बोलने का अधिकार मिलेगा, बिना बात पर लोग बैन नहीं होंगे। तो इलॉन मस्क निकल पड़े अपनी खोज में कि चलो ट्विटर को परचेज करूंगा। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि आसान रास्ता अपनाता हूँ, 3-4 बिलियन डॉलर खर्चता हूँ, शेयर परचेज कर लेता हूँ ट्विटर के और बन जाता हूँ 9.2% शेयर का ओनर। इस हिसाब से आप अगर देखो आज के समय तो इलॉन मस्क सिंगल लार्जेस्ट ओनर हैं ट्विटर के शेयर्स के। और इलॉन मस्क को लगा कि इतना स्टेक काफ़ी है, ये आराम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर सकते हैं और जो भी इनके सुझाव हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर और वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर, ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। मगर ट्विटर में जो लोग बैठे हैं, जो लोग चला रहे हैं उस कंपनी को, उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपके पास होगा 9.2% शेयर, हम आपको जो बोर्ड की मीटिंग है वहाँ पे ना बिठाते और ना ज़्यादा हम आपकी सुनेंगे। तो इलॉन मस्क को यहाँ पर समझ में आ गया कि 9.2% से काम नहीं चलेगा, जो ये ट्विटर नाम का घोड़ा है, अगर इस पर सवारी करनी है तो पूरा 100% स्टेक होना चाहिए इनके पास, या फिर 100% के आसपास स्टेक होना चाहिए इनके पास, तभी ये प्रॉपरली निर्णय ले पाएंगे ट्विटर के बारे में और ट्विटर को प्रॉपरली ऑपरेट कर पाएंगे। तो फिर इलॉन मस्क ने दिया एक बहुत ही बड़ा ऑफर। इलॉन मस्क ने कहा कि देखो अभी ट्विटर का जो शेयर है इसका रेट क्या चल रहा है, एक शेयर जो है ट्विटर का ये $40 से लेकर $45 के आसपास झूल रहा है, रफली आप मान के चल लीजिए 3500 इंडियन रुपीज़ का है एक ट्विटर का शेयर। इलॉन मस्क ने कहा कि ये सब छोड़ो, मैं मान के चल रहा हूँ अपनी तरफ से कि ट्विटर का एक शेयर है मेरे हिसाब से करीब $54 का, इस रेट के हिसाब से मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सारे शेयर परचेज कर लूंगा, मुझे अपने सारे शेयर दे दो, प्रीमियम यहाँ पे एंजॉय करो, तुम लोगों की मोटी कमाई होगी। और आप अगर सोच कर देखें, अगर आप एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं ट्विटर के, आप कोई बड़े कोई बिजनेसमैन नहीं है, आपने बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से ट्विटर का शेयर परचेज कर रखा है, तो इलॉन मस्क का ये ऑफर तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि अगर इलॉन मस्क का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि रातों रात ट्विटर के जो शेयर हैं ये सीधा $55 या फिर उसके भी ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क अपने आप में एक ब्रांड है, इनोवेटर है बहुत ही बड़े, तो अपनी तरफ से इलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छा दाव खेला। मगर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या हुआ, दुनिया को बाद में ये पता लगा कि ट्विटर में तो एक्चुअली बहुत सारे जो शेयर्स हैं ये परचेज कर रखे हैं सऊदी अरेबिया की सरकार से जुड़े हुए इनके प्रिंसेस ने। और रिसेंटली उनमें से एक प्रिंस ने ट्विटर पे कह दिया कि हम इलॉन मस्क का ऑफर रिजेक्ट करते हैं। और इलॉन मस्क ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि अच्छा, अब सऊदी अरेबिया सामने आ रहा है, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं ये ऑफर, तो मतलब कि सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रखता है ट्विटर पे, तो सऊदी अरेबिया के क्या विचार हैं मीडिया को लेकर, जर्नलिज्म को लेकर, ये भी हम जानना चाहेंगे। सो यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया की सरकार से जुड़े हुए जो प्रिंस हैं ये कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं इलॉन मस्क का ये ऑफर। और नीचे फिर इलॉन मस्क यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा, सऊदी अरेबिया ओन करता है ट्विटर का बहुत सारा शेयर, हम तो एक्चुअली ये जानना चाहेंगे कि ट्विटर का एक्चुअली कितना बड़ा परसेंटेज ओन करता है सऊदी अरेबिया। और एक्चुअली ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, मुझे भी पता नहीं था कि सऊदी अरेबिया इतना सारा शेयर ओन करता है ट्विटर का। और बहुत ही अजीब बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कहता है कि जी हम बिल्कुल आज़ादी के लिए बात करते हैं, फ्रीडम के लिए बात करते हैं, उसके बहुत ही बड़े शेयर होल्डर है सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स, जहाँ पे फ्री स्पीच को इतना प्रमोट किया नहीं जाता। और यही बात यहाँ पर रेस करी है इलॉन मस्क ने कि ट्विटर जिन लोगों के पास है आज के समय वो फ्री स्पीच में विश्वास नहीं रखते। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि इससे ये अपने आप एज्यूम मत कर लेना कि अच्छा ठीक है तो ट्विटर तो ज़्यादातर ओन करता है सऊदी अरेबिया, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मोस्ट प्रोबली 7-8% के आसपास जो शेयर्स हैं ये ओन करते होंगे ट्विटर के, मगर
ऑल टुगेदर जो रेजिस्टेंस मिल रही है इलॉन मस्क को, ये बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर से भी मिल रही है। तो अभी के लिए लग रहा है कि इलॉन मस्क का जो इरादा था ट्विटर को परचेज करने का, ये ब्लॉक कर दिया गया है, इवन दो इससे इन दी एंड लॉस होने वाला है शेयर होल्डर्स को। मगर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, मेरे पास एक प्लान बी भी है। प्लान बी क्या है इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। पर्सनली आप मुझसे अगर पूछे, मेरा ये मानना है कि इलॉन मस्क आज के समय इतने पॉपुलर हैं, इतना बड़ा अपने आप में ब्रांड ये खुद हैं, इनको ये खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहुत से लोग वहाँ पे आना भी पसंद करेंगे। बट देखते हैं इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। इलॉन मस्क अभी डेफिनेटली यही चाहते हैं कि खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के बजाय ये ट्विटर को ही फिक्स कर ले, उससे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर काफ़ी तरक्की हो जाएगी। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ, और एमसीक्यू मैंने आपसे ये पूछा था कि 2016 में इलॉन मस्क ने इसमें से कौन सी कंपनी ओपन करी थी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द बोरिंग कंपनी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वेबसाइट है बोरिंग कंपनी की, ये हाइपरलूप टनल के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और ये चाहते हैं कि बहुत ही जल्द हाइपरलूप सिस्टम से बड़े शहरों में लोग ट्रांसपोर्ट करें, इससे टाइम काफ़ी हद तक बच जाएगा ट्रांसपोर्ट करने में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी के जो बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं, जिनके थ्रू आप बैंक पीओ क्लर्क दोनों की तैयारी कर सकते हैं, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आज रात 12 बजे। तो उससे पहले आप अगर परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, बैंक पर यहाँ पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के बैंक कोर्सेज। आज रात 12 बजे से इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस कोर्सेज। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज, ये जो क्वेश्चन का आंसर था, ये मुझे पता था कि ये बोरिंग कंपनी ही है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा था कहीं बहुत ही पहले, एंड इसका नाम से मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि व्हाट अ कंपनी यार, बोरिंग कंपनी। उस टाइम पे वो बोरिंग वाला दूसरा बोरिंग नहीं है, तो अपना व्हाट अ बोरिंग डे वाला बोरिंग मैं समझी थी, तो वैसे ही सोच रही थी। लेकिन जब अभी ऑप्शन में मिला तो सबसे पहले दिमाग में वही स्ट्राइक किया कि अरे ये तो वही है जो हाइपरलूप टनल वगैरह वो बना रहे हैं, ताकि बड़े शहरों में पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में इजियर हो एंड टाइम सेव हो। सो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट कि ऐसा कुछ बन रहा है। एंड रहा बात इलॉन मस्क का ये जो ट्विटर ओनरशिप का, लाइक वाओ मैन, काफी पैसा है। एंड फॉर्मर सीईओ जो थे जैक आई थिंक, मुझे पूरा नाम पता नहीं उनका, जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ थे जैक डोर्सी या वैसे कुछ है उनका नाम, तो वो उनका भी कहना सही था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ट्विटर में, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है या कुछ एक्शन लिया जाता है उन लोगों के बीच मतलब ऊपर में। सो ये सब चीज को इलॉन मस्क हटाना चाह रहे हैं, तो अगर ये सब चीज हट गया तो फिर तो ये फेसबुक जैसा हो जाएगा मुझे तो लगता है। मतलब सीरियसली अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रह गया तो वहां तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश विदेश के सारे मतलब जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जैसे पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो सभी ट्विटर पे मतलब हमेशा ऑनलाइन रहते हैं एंड मैक्सिमम चीजों का सल्यूशन मिल जाता है जस्ट मिनट में। मतलब तुरंत से ट्वीट करो, कुछ ना कुछ रिप्लाई तो मिलेगा ही मिलेगा आपके प्रॉब्लम का, सल्यूशन ना सही लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन वही चीज है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा तो आई डाउट वहां सल्यूशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि फिर मुझे लगता है जैसे कि वो फेसबुक की तरह बन जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्विटर अपनी जगह, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे तो वही बहुत अच्छी बात है। एंड इलॉन मस्क बेचारे, उनका तो अब प्लान धरा का धरा रह गया, पता नहीं प्लान बी क्या है उनका, वो तो आने वाला टाइम पे पता चलेगा प्लान बी पे जब वो काम करने लगेंगे। एंड मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं था कि सऊदी अरेबिया कुछ शेयर्स ले रखा है ट्विटर का, मुझे लगता था ट्विटर एक होल कंपनी है एंड उसका कोई शेयर वगैरह नहीं होता है,
लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा पता चला कि ओके इसका भी शेयर है एंड लोग खरीदे भी है इसका शेयर, जैसे कि प्रिंस लोग खरीद रखे हैं सऊदी के, एंड साथ ही इलोन मस्क ने भी प्लान किया था कि वो शेयर लेके अपना जिस तरीके से वो बोर्ड मेंबर्स के पास पहुंचे, लेकिन वो तो वर्क ऑन किया नहीं। सो देखते हैं आगे जाके पता चलेगा ये प्लान भी है क्या इनका, एंड वो खरीद पाते हैं कि नहीं ट्विटर को। सो आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड साथ ही मेरा रिव्यू या रिएक्शन आप सबको पसंद आया होगा। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको इस वीडियो की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड साथ ही इस वीडियो का लिंक और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बगल में बात भी हो रहा होगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड इस वीडियो को देखना ना भूले एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।